प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार सभी मंत्री अपने महकमे और प्रदेश को सुधारने की कवायदों में जुट गए हैं। ऐसे में लगातार मंत्री अलग अलग विषयों पर भी अपने विचार और सरकार की भविष्य की मंशा को बयां कर रहे हैं। ऐसा ही एक वक्तव्य शराबबंदी को लेकर भी देखने को मिला। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने एक कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को शराब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि सभी मौजूद लोग भी इस बात पर मंत्री का समर्थन करते नजर आए। मंत्री पटवारी ने कहा कि पहले तो पुलिस लोगों से शराब नहीं पीकर गाड़ी चलाने की अपील करती है और दूसरी ओर सरकार द्वारा ही अहाते में बैठकर लोगों को शराब पीने की छूट दी जाती है। ऐसे में दुर्घटनाएं कैसे रुक सकती है? बातें इतनी है कि कुछ तो सर हम भी थोड़े उसके लिए जिम्मेवार। अभी मैं देख रहा हूँ जगह जगह आप लोग आपने लिखा है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उसका दूसरा जो पक्ष देखे तो हर शराब की दुकान पे आता है और आते पे 10 बजे तक शराब पी के अंदर पिला के हम उसको भेजते हैं। तो अगर वो पी के आप एक तरफ पिला रहे हो, शासन पिला रहा, सरकार पिला रहा, और दूसरी तरफ हम अगर ये कहें कि आप पियो मत, तो दोनों कानून अपने आप में एक दूसरे के विरोधाभास। तो कम से कम इसको तो सुधार करना चाहिए। वहीं मंत्री पटवारी ने यह भी कहा कि भले ही शराब से सरकार को रेवेन्यू आता हो, लेकिन फिर भी इस तरह के विकल्पों के बारे में हमें सोचना होगा। मूर्ति हूँ कि मैं देखता रहता हूँ, इस पे सख्ती से पालन होना चाहिए कि 10 बजे तक शराब के दुकानों पर प्रतिबंध है। कई जगह शराब को लेकर जब एक तारीख आती है आंदोलन भी होते हैं। रेवेन्यू की अपनी दिक्कत हो सकती है, स्वीकार करता हूँ मैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, इस पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर मंत्री का इशारा साफ तौर पर प्रदेश में शराबबंदी की तरफ था। उन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि शराबबंदी की ओर उनकी सरकार कदम उठाएगी या नहीं, लेकिन अपनी बात रखते हुए मंत्री पटवारी ने शराब के नफे नुकसान की बात जरूर समझा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।